हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज ट्रैफिक इंस्पेक्टर की इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 44। तो अगर अभी तक आपने इसके पार्ट 43 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुरुत्व की क्रिया के अधीन मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड में होता है। तो गुरुत्व की क्रिया के अधीन मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड में जो होता है नो वेट होता है, यानी कि शून्य भार। सो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की दर कहलाती है। तो कार्य करने की दर जो है वो कहलाती है पावर, यानी कि शक्ति। सो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोथेरेपी में एक्स किरणों का प्रयोग इसका पता लगाने के लिए किया जाता है। तो देखिए, रेडियोथेरेपी में जो है एक्स किरणें जो होती हैं उनका यूज़ किसके लिए होता है, कैंसर का पता लगाने के लिए। उनका कैंसर का पता लगाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल मेटल इसकी मिश्र धातु है। तो देखिए, वेल मेटल जो है ये कॉपर और टीन की मिश्र धातु होती है। सो ऑप्शन इसका यहाँ पर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटर्जेंट है एक। तो डिटर्जेंट क्या है, एक क्लींजिंग एजेंट है। सो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, शोधन अभिकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लपेटन या जिसे हम रैपिंग भी कहते हैं, तो रैपिंग के लिए प्रयुक्त सेलोफेन है एक। तो ये क्या होता है, ये होता है रीजेनरेटेड सेल्यूलोज, यानी कि पुनर्योजित सेल्यूलोज। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफामाइसिन किस रोग के उपचार की औषधि है। तो देखिए, रिफामाइसिन जो है ये तपेदिक के उपचार की एक औषधि होती है। सो ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, तपेदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक तापद्रिड़ी पदार्थ है। तापद्रिड़ी को हम क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग। तो ये कौन सा होता है, बेकेलाइट जो होता है एक तापद्रिड़ी पदार्थ होता है। सो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसायिक चाय तैयार की जाती है। तो व्यवसायिक चाय जो है यानी कि कमर्शियल टी जो है ये कैसे प्रिपेयर की जाती है, ये प्रिपेयर की जाती है लीव्स से, यानी कि पत्तियों से। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडपीतक का मुख्य संगठक है। तो अंडपीतक का मुख्य संगठक क्या होता है, तो ये होता है फैट, यानी कि बसा। सो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहलाता है ड्राई आइस, यानी कि शुष्क बर्फ। सो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पित्तरस किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो देखिए, पित्तरस जो है ये लीवर के द्वारा उत्पन्न होता है। सो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय के प्रयोग के लिए केसर प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, कॉमर्शियल यूज़ के लिए जो होता है यानी केसर जो होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है, तो वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी अनुपस्थिति में रक्त का धक्का नहीं बनेगा। तो किसकी अनुपस्थिति में जो है रक्त का धक्का नहीं जमता है, तो ये होता है कैल्शियम। कैल्शियम की अनुपस्थिति में रक्त का धक्का नहीं बनेगा। सो ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ जिसके बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। तो ये क्या होते हैं, तो ये ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं जिनके बिना व्यक्ति जो है वो जीवित नहीं रह सकता है, तो वो होते हैं प्रोटीन। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आयरन जो है प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल में, यानी कि हरी सब्जियों में। सो ऑप्शन इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीन वेजिटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारावासी अपराधियों के लिए प्रसिद्ध स्थान जुब्बल नारायण अवस्थित है। तो जुब्बल नारायण जो है ये कहाँ पर अवस्थित है, ये है रोहड़ू में। ऑप्शन यहाँ पर इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला नगर पालिका का निर्माण किस वर्ष में हुआ। तो शिमला नगर पालिका का निर्माण जो है ये हुआ था 1850 में। ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराशर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो पराशर झील जो है ये कहाँ पर है, ये है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन यहाँ पर इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंजुम दर्रा प्रसिद्ध है। तो कुंजुम दर्रा जो है ये कहाँ पर प्रसिद्ध है, ये है स्पीति घाटी में। ऑप्शन ए राइट आंसर, स्पीति वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हत्तू चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो देखिए, हत्तू चोटी जो है ये है शिमला में, जो कि ऑप्शन में नहीं है। सो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, छड़ी यात्रा प्रारंभ होती है। तो छड़ी यात्रा प्रारंभ होती है चंबा से। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा राज्य हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है? तो हिमाचल के दक्षिण पूर्व में जो है वो कौन सा राज्य है, तो वो है उत्तराखंड। ऑप्शन यहाँ पर इसका ए राइट आंसर है, उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है हिमाचल के दक्षिण पूर्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीर गंगा गर्म पानी का स्रोत अवस्थित है। तो खीर गंगा गर्म पानी का स्रोत जो है ये है कुल्लू में। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1740 में कांगड़ा किले का अंतिम मुगल गवर्नर कौन था? तो देखिए 1740 में कांगड़ा किले का अंतिम मुगल गवर्नर जो था वो था सैफ अली खान। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय सिख युद्ध के दौरान सिब्बा राज्य के सिखों को किसने खदेड़ा था? तो देखिए द्वितीय सिख युद्ध के दौरान जो था सिब्बा राज्य के सिखों को राम सिंह इसने खदेड़ा था। सो ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर कोट किसकी शक्ति और प्रतिष्ठा की गद्दी थी? तो किसकी थी, ये थी कटोच राजवंश की। नगर कोट जो थी ये किसकी शक्ति और प्रतिष्ठा की गद्दी थी? कटोच राजवंश। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की प्रथम लोकायुक्त थे? तो हिमाचल प्रदेश की प्रथम लोकायुक्त जो थे ये थे TVR टाटाचारी। ऑप्शन यहाँ पर इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला भ्रातरी बहुपति प्रथा से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है संबंधित, तो ये है कांगड़ा। ऑप्शन यहाँ पर इसका डी राइट सी राइट आंसर है, कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की कांगड़ा शैली का केंद्र था? तो चित्रकला की कांगड़ा शैली का केंद्र जो था वो था सुजानपुर। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिलोकपुरी मंदिर किसकी मूर्ति का भवन है? तो त्रिलोकपुरी मंदिर जो है ये त्रिपुरी बाला सुंदरी मूर्ति का भवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के नींबू वंश किस्म की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी क्षेत्र है? तो देखिए फलों के नींबू वंश किस्म की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी क्षेत्र जो है वो है शिवालिक हिल्स, यानी कि शिवालिक पहाड़ियाँ। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है शिमला में। एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई थी? तो देखिए HP बोस की स्थापना जो थी ये 1975 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर इसका ए जो है ये हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में शहरी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो ये किस जिले में है, ये है शिमला जिले में। शिमला जिला जो है इसमें शहरी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश में प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे? तो देखिए 1951 के दौरान हिमाचल प्रदेश में प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौला लोक नृत्य किस घाटी में किया जाता है? तो नौला लोक नृत्य जो है ये किया जाता है चंबा में। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुरपुर किला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बहादुरपुर किला जो है ये है बिलासपुर में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है? तो देखिए सतलुज, व्यास, चिनाब ये सभी जो हैं ये सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा हैं। सो ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर, ऑल ऑफ डीज, यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लिंगानुपात है? तो हिमाचल प्रदेश में लिंगानुपात है 972। सो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की प्रथम सदस्य थे? तो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के प्रथम सदस्य जो थे वो थे चिरंजी लाल वर्मा। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेतन संदाय अधिनियम लागू होता है? तो देखिए वेतन संदाय अधिनियम जो है ये लागू होता है जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत में। पर देखिए ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये 2018 में हुआ था। तो देखिए अब के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है और लद्दाख ये यूनियन टेरिटरी बना दिए गए हैं। और देखिए इस पेपर की अगर मैं बात करूं जो मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करवा रही हूँ, तो ये लेबर इंस्पेक्टर का पेपर है। तो यहाँ पर आपको तो कम से कम 15 के अराउंड क्वेश्चन जो हैं इसी लेबर इंस्पेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो जैसे अगर हम ट्रैफिक इंस्पेक्टर की बात करें तो उससे रिलेटेड भी आपको शायद कुछ 10 या 15 के अराउंड क्वेश्चन जो है उसी फील्ड से रिलेटेड देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम अनुमूलन पहली बार इसके द्वारा लागू किया गया। तो देखिए, बाल श्रम अनुमूलन जो था पहली बार लागू किया गया था, ये किया गया था फैक्ट्री अधिनियम 1883। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने कार्य के 8 घंटों का प्रथम अनुबंध प्राप्त किया। सो ऑप्शन यहाँ पर डी है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सुविधा कर्मचारियों की उचित एवं सुखदायक कार्य दशा के लिए मुहैया नहीं है। तो ये है हाउसिंग फैसिलिटी यानी कि आवास सुविधा। ऑप्शन यहाँ पर इसका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि अनुसार श्रमिक संगठन बनाने के लिए आवश्यक कर्मकारों की न्यूनतम संख्या है। तो ये होती है 15। ऑप्शन यहाँ पर इसका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित श्रम विधि को प्रवर्तित किया जाना चाहिए। तो केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित श्रम विधि को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा प्रवर्तित किया जाना चाहिए। सो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में प्रथम भारतीय श्रम संगठन कार्यालय प्रारंभ हुआ। तो देखिए, भारत में प्रथम भारतीय श्रम संगठन जो था इसका कार्यालय प्रारंभ हुआ था 1928 में। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग बना था। तो प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग जो है ये बना था 1969 में। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ILO शासी निकाय का स्थायी सदस्य है। तो ऑप्शन सी है, 1922 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेतन संदाय अधिनियम के अनुसार वेतन दिया जाना चाहिए। तो वेतन दिया जाना चाहिए किसी भी कार्यकारी दिवस पर, एनी वर्किंग डे। ऑप्शन यहाँ पर इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में निहित है। तो ये है अनुच्छेद 39 में। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मार्क्सवादी उपागम में वेतन संबंधी विवादों से संबद्ध संस्थाएं हैं। तो ये हैं द्वितीयक, सेकेंडरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के रखरखाव का उत्तरदायित्व है। तो ये होता है, ये इम्प्लॉयरी का भी होता है, गवर्नमेंट का भी होता है और एम्प्लॉयज़ का भी होता है। सो ऑप्शन इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से सभी, नियोक्ता, सरकार, कर्मचारी, इन सभी का। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम किस वर्ष से प्रवर्तित हुआ। तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम जो था ये किस वर्ष से प्रवर्तित हुआ था, ये 1948 से। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत वयस्क का अर्थ वह व्यक्ति जिसने डैश की आयु पूर्ण की हो। तो जिसने जो है 18 वर्ष की आयु पूर्ण की हो। न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत वयस्क का अर्थ वह व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण की हो। तो देखिए, आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।